शाम को छोड़ते हुए समय में वो अहमदाबाद यादव बोलते कैसेट में सुना सरपुर अपने खान छोड़ते हुए समय वो अहमदाबाद जाता है वो कैसे हो सकता है ना अन्ना माना अज्ञान अंधकार तो है ना। या हम बच्चे भी जब आत्मा हमारे बनते हैं तो हम अंदर तो नहीं बनते ना, ज्ञान एक ही आत्मा हमारे बनते हैं। सर्प का मिसाल दिया है, वो सर्प तो जानवर है और हम तो मनुष्य हैं। सर्प का मिसाल मनुष्यों के ऊपर ढाला गया है, वो स्थूल खल त्याग करता है और जीवन में तीन चार बार क्या करता है। मिसाल दिया हुआ है उन गुरुओं का और बाप भी मिसाल देते हैं, परंतु वो गुरु लोग तो अनेक जन्मों की बात बता देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको यही पढ़ाई पढ़नी है और यहीं से अभिमान की खल छोड़नी है, परंतु चार युगों में धीरे धीरे अवस्था गिरती है। ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का है, 5000 वर्ष पूरे होते हैं और तुम आत्म की स्थिति खो बैठते, पूरे ही देहाभिमानी बन जाते हो। तब मैं आकर के बताता हूं, 5000 वर्ष का ड्रामा संगम युग में रिपीट होता है, रिहर्सल काल में, शूटिंग कहो रिकॉर्डिंग कहो, तो 5000 वर्ष में जैसा ड्रामा चलेगा वैसा ही शूटिंग काल में चलेगा ना। शूटिंग पीरियड में जब ज्ञान में आते हैं तो सतोप्रधान स्टेज होगी, और जब धीरे धीरे अनिश्चय बुद्धि होते जाते हैं तो काम की स्टेज बन जाती है। चतुप्रधान स्टेज में आत्मा अपने को समर्पित कर देती है, तामसी बनते हैं तो बुद्धि चलने लग पड़ती है, देवान चढ़ता जाता है। ये देवान के चढ़ने की भी शूटिंग यहां होती है, जब बहुत देवान चढ़ जाता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपना पूरा वार करते हैं, जिसको कहा जाता फाइनल परीक्षा। उस फाइनल परीक्षा में सब अज्ञान के अंदर हो जाते हैं। अगर सबकी बुद्धि में ज्ञान हो अंतिम शूटिंग पीरियड में तो सब पास हो जाएगा। माया किसी को छोड़ती नहीं है, सब को फेल करती है। कोई अहंकार न करे कि हमने माया को जीता, नहीं, माया सबको अंधा बनाती है, इसलिए माया को सर्वशक्तिवान कहा जाता है।
जैसे सब अंधा हो जाता है वैसे शूटिंग पीरियड में जब सचेतता होनी होती है तो सांप की बुद्धि में आवरण चढ़ जाता है माया का। इसलिए बोला है विनाश तब होगा जब सब की बुद्धि विनाश की बातों से फ्री हो जाएगी। अचानक विनाश शुरू होगा। ये जय अभिमान की कट कहो, जय अभिमान का छिलका कहो, ये सारी इंद्रियों को आवृत कर लेता है। सिर्फ आंखों को ही नहीं, आंखें भी जय अभिमान से आवृत हो जाती। जो असली बात है वो नहीं दिखाई पड़ती। पाप मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य अमर से पहले उगता है, उससे पहले लाल लाल लालिमा ही चारों तरफ दिखाई पड़ती है पूर्व दिशा में। पहले सूर्य नहीं दिखाई पड़ता और लाल लालिमा को अंधकार आवृत कर लेता है। ऐसे ही ये शूटिंग का जो समय है लास्ट टाइम, उसमें थोड़े समय के लिए चारों ओर अंधकार रहता है। सब विनाश की बातों से फ्री हो जाते हैं। अरे विनाश विनाश सब कुछ नहीं होना, जबकि पहले से बता देते हैं इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, कब भी विनाश हो सकता है। इसलिए सर्प का मिसाल दिया है। सर्प जब कैप्सूल से आता है तो अंधा हो जाता है। इसको कहते हैं अज्ञान अंधकार, ये अभिमान में अंधा, कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांधकार। ये विकार अंधे बनाने वाले। सात्विक अवस्था होती है तो खुशी बहुत होती है, सेवा करने की ललक बहुत होती है। उस टाइम सेवादारी बच्चों को बाप याद करता है। जिन बच्चों को बाप याद करता है तो उनकी तो जरूर पूछनामा अवस्था रहेगी, आंखें खुली हुई रहती है। जब देवान करता है तो आत्मा विकारों से आकर हो जाती है। देवान के कारण आत्मा सेवा नहीं कर सकती। ईश्वरीय सेवा में मन नहीं लगता। कोई हिम्मत करते भी है और समझने वाला होशियार होता है, समझाने वाला बुद्धू होता है, तो हिम्मत करने वाले को बाप मदद दे देता है। वाचा की मदद देता है, दृष्टि की मदद देता है,
समझने वाली आत्माओं को खड़ी होती है, परंतु देह अहंकार के कारण हम बच्चे समझते हैं कि हमने सेवा की। तो ये अहंकार चल जाता है। वास्तव में इस समय तमो प्रधान आत्माएं सेवा नहीं कर सकती। हम सब तमो प्रधान बन जाते हैं कलयुग की शूटिंग में। जो भी सेवा है वो बाप दादा करते हैं। तो गलत फहमी हो जाती है कि हम तो सोझरे हैं, लेकिन वास्तव में अंत में आकर के सेवा रुक जाती है। चाहे बेसिक नॉलेज हो, चाहे एडवांस नॉलेज हो, जब तक तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक सेवा में बैक आ जाता है। सेवा होती भी है तो तामसी सेवा होती है। बार बार बच्चे बहुत कम निकलते हैं। फर्स्ट क्लास आत्मा ज्यादा निकलती है, लेकिन सेवा का अहंकार बहुत बढ़ता है। तो क्या कहेंगे, शूटिंग पीरियड में भी देह अभिमान अंधा बनाता है या नहीं बनाता है? ब्राह्मण में अंधा बनाता है तो शूटिंग पीरियड में भी अंधा बनाता है। बाकी पूर्ण रूप में अंधे होने की बात नहीं है। रुद्रमाला के मन के स्थूल रूप में अंधे हो जाएंगे, अज्ञान अंधकार की बात है। पूरा अंधेरा, फिर पूरा सूझरा अंधेरा होने के बाद ही सूझरा होता है। पूरा तामसी बनने का ग्रहण लगता है तब बाद में सात्विकता आती है। तो आत्मिक तेज बढ़ाने की है ना बाबा, तो इसमें तो अंधा बनने की कोई बात नहीं होती। जब हम आत्मा मन स्टेज को बढ़ाते रहते हैं, व्यक्ति जो है वो आत्माभिमानी बनने की होती है, लेकिन साथ साथ संघ का रंग भी बढ़ता जाता है। एक तरफ प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, दूसरी तरफ संघ का रंग बढ़ता जाता है, वातावरण तामसी होता जाता है। जैसे जैसे दुनिया की संख्या बढ़ती जाती है, ब्राह्मणों की दुनिया की संख्या बढ़ती जाती है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी तामसी आत्माओं का जखीरा बढ़ता है या घटता है? बढ़ता जाता है। तो वाइब्रेशन बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ता जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा समाज होता है, जैसा राज्य होता है, वैसे उस राज्य में पलने वाले बनते हैं। अभी भी रावण राज्य, अभी भी राम राज्य नहीं है। राम का राज्य अपने घर के बच्चों पर भी नहीं। तो प्रजा तो लाखों की तादाद में होती है, उनके ऊपर राज्य कहां से आ जाएगा? इसलिए सात समूह प्रधान बनते हैं। तो
जब जागरण होता है तो जितने जितनी प्रैक्टिस की है वो आप समझते काम में आ जाती। और आठ लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होती है, लक्ष्मी तो एक ही होती है, उसमें भी एक जगदम्बा का पार्ट है, दोनों का मेल होता है, संस्कार एक बनते हैं तो महालक्ष्मी भी बनती है। बाकी जो भी सचिव में लक्ष्मी नामधारी होंगे, टाइटलधारी होंगे, वो तो कम कलाओं वाले होते हैं। जो कम कला वाली लक्ष्मी या नारायण बनते हैं उनका कोई गायन पूजन नहीं होता, नारायण का भी गायन पूजन नहीं होता तो लक्ष्मी का भी नहीं होता। हाँ, देवियों के रूप में नौ देवियों की पूजा होती है, जैसे अष्ट देवताओं की पूजा है वैसे नौ देवियों की भी पूजा है। देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं तो आप देवताएं होंगे तो आप देवियां नहीं होंगी। जो देवियां हैं उन्हीं को आप लक्ष्मी के रूप में कह दिया। पूजा तो पवित्रता की होती है, अधूरी पवित्रता की नहीं होती। जो सोलह कला संपूर्ण बनते हैं उनकी पूजा होती है। कौन है सोलह कला? साढ़े पंद्रह कला, कम जन्म लेने वाले उनकी पूजा कैसे होगी? बाबा एक फीलिंग है, सारी देवताओं में एक ही देवता को दिखाया, सारी देवता 35 करोड़ देवता में एक ही देवता को दिखाया जो कामदेव को भस्म किया, ऐसा बताया। वही सीढ़ी में बात बताया, सारी देवताओं में एक ही देवता को दिखाया जो विस्पीते हुए दिखाया, दोनों अलग अलग बातें। कर्म करते हुए याद में रहा जा सकता है या नहीं है? सभी का नहीं होता है, है? सभी को नहीं होते हैं ना। तो सभी की बात कहाँ है, तो एक की ही बात है ना। जो बाप है वो बाप है और जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं। बाप तो लंबे समय की प्योरिटी धारण करने के बाद बाप बनता है, बाद में बच्चों की पैदाइश होती रहती है। बाप का जन्म पहले और बच्चों का जन्म बाद में। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में ही मना लिया और फिर बच्चों की प्रत्यक्षता होने में कितना टाइम लगता है? हर वर्ष नंबर लगा रहता है क्या? 36 हुई, उन 30 को फिक्स होने में कितना टाइम लग गया? इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप
एक ही मुकर्र रस में आता है और कर्ण का रंग से वो जल्दी परिपक्व स्टेज को प्राप्त करता है। बच्चे नंबर वार होते हैं, इसलिए एक का गायन है। कान होते हुए भी, कान से सुनते हुए भी, सुनते हुए न सुनना, आंख होते हुए भी, आंख अपना विषय ग्रहण करते हुए भी, देखते हुए न देखना, ऐसे ही कामेंद्रिय भी है। कर्म करते हुए भी कर्म किया किया न किया, जो ऐसी स्टेज बनेगी तो उसमें पतन होगा शक्ति का या नहीं होगा। कान की आंख की इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी, याद में कर्म करने का कोई फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अब भी विचारी याद हो, निरंतर याद हो तो सहज याद होगी। भक्ति मार्ग में भी तो दिखाते हैं कि दृश्य पिया लेकिन कहाँ रोक दिया, गले में रुक गया। तो बुद्धि तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है? बुद्धि तक नहीं पहुंचा। जब बुद्धि तक विषय विकार पहुंचा ही नहीं तो वो याद आएगा? जब याद ही नहीं आएगा तो पतन होना बंद। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो तुम्हारा जो क्षरण है वो बंद हो जाएगा। शक्ति पात नहीं होगा, ऊद रेता बनने लगेंगे। प्रैक्टिस पड़ जाएगी, मस्तक की ओर शक्ति करने लगेगी। तो शंकर के लिए जो दिखाया जाता है कि विष पीता था, वो दूसरों की नजरों में विष पीता था या पार्वती की नजरों में विष पाई था? पार्वती की नजरों में क्या था? हमारे जान सदा शिव जोगी, आज अनवद्य अकाम अब होगी। जो भोगी होगा वो योगी नहीं हो सकता, जो योगी होगा वो भोगी नहीं हो सकता। और शंकर विष पीता है, चित्रों में दिखाया जाता है, मूर्तियों में बनाया जाता है, उसकी पूजा क्यों होती है? पूजा पतित की होती है या पूजा पावन की होती है? तो समझा जा सकता है कि विषपायी कर्म करते हुए भी वो पवित्र है या पवित्र है। ये हाथ में रखना है कमल में
ये तो जो है वो कीचड़ जैसी आत्माओं का संग करता है या नहीं करता है? कीचड़ जैसी आत्माओं का संग करता है तो कौन सा आसन दिखाया जाना चाहिए? कमल आसन। शंकर को भी कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्लास में माया सभी बच्चों को माया चंद्र में लाती है, कोई बच्चों को आदि में लाती है, कोई बच्चों को अंत में, कोई बच्चों को मध्य में, तीनों बार माया के चंद्र में आते हैं। ऐसे बताया सूर्यवंशी बच्चों भी तीनों बार आने वाला होते है बाबा। सूर्यवंशी बच्चों में भी तीनों समय में हारने वाला होते। जो सूर्यवंशी है वो अंतिम जन्म में गिरेंगे, इस्लाम वंशी है द्वापर के आदि में ही नीचे गिरेंगे, क्योंकि इब्राहिम और इब्राहिम के फॉलोअर्स द्वापर के आदि में ही ऊपर से नीचे आते हैं, सूर्यवंशियों में तो नहीं प्रवेश करते करते हैं है? नहीं करते। क्यों? इतना पतित नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी याद की पावर धारण की है, उस समय उनको वो कैप्चर नहीं कर सकते। भूत प्रेत आत्माएं भी कमजोर में प्रवेश करती है या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करती है? कमजोर में प्रवेश करती है। इस्लाम धर्म की आत्माएं जो संगम युग में पूरा पवित्रता का विरुद्ध धारण नहीं करती है, न दूसरों को करने देती है, वो आत्माएं द्वापर के आज में ही ज्यादा नीचे गिर जाती है। 10 करोड़ आत्माओं में उनके पतित होने का नंबर पहले लगता है, ऐसे ही फिर नंबर बार बौद्धी क्रिश्चियन सन्यासी मुसलमान उनको नंबर वार पतित कहेंगे। जो सूर्यवंशी आत्मा है वो लास्ट जन्म में पतित बनती है। आदि में भी राम के लिए क्या बोला यज्ञ के आदि में? लेकिन अंतिम परीक्षा में तो पास होते हैं, अंतिम परीक्षा में तो पास होते हैं। आदि में भी फेल हुआ, जो आदि में फेल हुआ तो अंत में भी फेल होता है। अगर फेल ना हो तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने का निमित्त भी न बने। वाइब्रेशन से नीचे गिरता है या नहीं गिरता है? जैसे दृष्टि से नीचे गिरना होता है, वृत्ति से भी नीचे गिरना होता है, ऐसे ना इसकी दृष्टि वृत्ति बहुत खराब है। दृष्टि प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर जाती है। शुरुआत में पतित होने की वृत्ति कम होती है,
और जैसे जैसे जन्म होते जाते हैं वैसे वैसे पतित होने की तीव्रता बढ़ती जाती है। सचिव के पहले जन्म में चौथाई कला कम होती है, इंद्रियों का सुख भोगा तो ये चौथाई कला भी कम हो गई। संगम युग में चौथाई कला कम नहीं होती लेकिन वृत्ति तो नीचे गिरती है, तो कृष्ण की आत्मा को खींचती है ना। शास्त्र में तो अष्टलक्ष्मी अष्टरत्न जैसे गए हैं, फिर ऋषि के बारे में सप्तर्षि तक क्यों? ऋषियों की पूजा नहीं होती, वो सप्तर्षि है, वो सात नारायण ही सप्तर्षि है, सात नारायण गिरती कला वाले हैं, जो ऋषि मुनि है उनके नाम पर ब्राह्मणों के गोत्र बने। कोई ऊंचीपुरी का ब्राह्मण माना जाता है और कोई नीचीपुरी का ब्राह्मण माना जाता है। जो ऊंचीपुरी का ब्राह्मण है उसको नीचीपुरी के ब्राह्मण नमन करते हैं। अपनी बच्चियों की शादी कराते, पांव पूजते, ये परंपरा यहां पड़ती है। ऋषि पवित्र रहने वालों को कहा जाता है लेकिन है नंबर वार, एक जैसी पवित्रता धारण नहीं कर पाते, इसलिए उनका मान मर्तबा है, बाकी पूजनीय नंबरवार नहीं है। आत्मा को कल्पना एक बार बेहद एक्सीडेंट होती है, उस एक्सीडेंट में आत्म दुख का अनुभव होता है नहीं होता? आत्मा को दुख का अनुभव होता है नहीं होता? उस एक्सीडेंट में बेहद एक्सीडेंट होती है ना कल्प में एक बार, आत्मा को बेहद एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में दुख का अनुभव होता है नहीं होता? जैसे हार्ट फेल होता है तो एक सेकंड में हार्ट फेल हो जाता है, लेकिन एक सेकंड दुख की अनुभूति तो हुई, अंत मत सुखते हो जाए। ऐसे ही एक्सीडेंट कोई भी हो, संकल्प की गति के ऊपर है, इतनी फास्ट गति से संकल्प करेंगे वो जल्दी सिद्ध होगा और धीमी गति से संकल्प करेंगे वो देर में संकल्प सिद्ध होगा। दुनिया में भी पाप कर्म करते हैं पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करने की गति क्षिप्र होती है, तीखी होती है, तो उसको पाप कर्म का फल जल्दी मिलता है। कोई कोई डकैत होते हैं एक ही जन्म में ढेरों हत्याएं करते हैं,
ज्यादातर डकैतों का आखिरी अंजाम क्या होता है? उसी जन्म में पकड़े जाते हैं या अगले जन्म में पकड़े जाते हैं? उसी जन्म में पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनके पाप करने की, कर्म करने की तीव्रता बढ़ गई। उनकी पाप पुण्य, पाप कर्म या पुण्य कर्म इसी जन्म में भी फल दे सकता है। और संगम युग में तो जो ब्राह्मण है आज करके एडवांस, उनकी बीज रूपी तेज होने के कारण उनके संकल्पों में ज्ञात की तीव्रता होती है। और ये है ही अंतिम जन्म। सबकी बात पर सबस्था बताइए, इसलिए बोला कि अभी संकल्पों के ऊपर बहुत नियंत्रण करना है। दुष्ट संकल्प तो तुरंत रोक देना चाहिए, नहीं तो फलदायी बन जाता है, हमारे नंबर को नीचे गिरा देगा। और ऊपर कैसे जाते हैं से सतयुग में चढ़ते जाते हैं प्रैक्टिस में। जो आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस है वो बढ़ती है। मगर हम कैसे समझ रहे हैं वापस से त्रेता से सतयुग तक गए हैं, जा रहे हैं, खुशी बढ़ेगी, खुशी बढ़ती जाती है, माने हम चढ़ रहे हैं और खुशी घटती जाती है, माने उतर रहे हैं। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, खुद को भी देखने में आवेगा कि तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, समय की शक्ति, संबंधियों की शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगा करके सेवा का मेवा खुशी मिलती है या नहीं? अगर मिलती है तो ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर उल्टा है तो नीचे गिर रहे हैं। जो ड्रामा में लुटा हुआ है वही संकल्प होगा, दूसरा क्यों होगा है? लेकिन पता तो नहीं है पहले से कि क्या होगा। जब होता है तो हम चाहे तो संकल्प को ब्रेक कर दें, रोक दें, और चाहे तो न रोके। ड्रामा में रोकना होता है तो रोकते हैं, ड्रामे में रोकना नहीं होता है तो लाख प्रयत्न करने पर भी दुष्ट संकल्प नहीं रुकता है। इसे क्या समझा जाए? बनी बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं है। ऐसे जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए शूटिंग पीरियड में उनकी रील घूमती है, इसलिए बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। शिव बाबा बांधा हुआ है तो बच्चे के बंधन से दूर रहेंगे क्या? जाने के लिए कब्रिस्तान में रास्ता बनाएंगे, जो पैसे पूछेंगे तो क्या बताऊं लोगों को, लोगों को तो हमारे गांव में वो भाई पूछते हैं, हमारे गांव में कब्रिस्तान ही आप क्यों ले जाएंगे? इनकी बात का जवाब बोल दो पहले। आपको जरूरी क्या है कि आप कब्रिस्तान ही ले जाएं?
आप जो व्यक्ति मरता है हम जानते हैं, मरने के बाद शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत जन्म ले जाती है, शरीर तो मिट्टी हो गया, आपको कब्रिस्तान में जाने की भी दरकार नहीं, आप कहीं भी उसे खोद के गाड़ दीजिए, क्या करेगा, पैसे मांगेगा, भक्ति कुर्सी में बैठी हुई है, भक्ति मुर्दाबाद नहीं हुई है, इसलिए शमशान घाट में जाते हैं। बाबा हमारा गांव में उनका रखा ठीक नहीं है, उसको साफ करने के लिए गांव में चंदा मांगते हैं, घर घर को इतना चंदा देना है, चंदा मांगते हैं, भाई पूछ रहे हो चंदा देना है नहीं देना, उनको बता दो कि हम तो शमशान घाट में जाने वाले नहीं, आप हमें बस कर देना। जब हम लेके आए तो हमको रास्ता नहीं देना, और बाबा द्रौपदी माला लोट पद होने वाले करते हैं ना जी, पांचपति करते हैं, पांचपति करते नहीं, हाँ पति माने रक्षा करने वाला, जो भी ब्रह्मा कुमारियां बनती है जहाँ भी सेंटर्स में ईश्वरी सेवा के लिए भेजी जाती है तो कोई न कोई पांडव निमित्त बनते हैं या नहीं बनते, उनकी रक्षा करने के लिए कोई पांडव निमित्त बनते हैं या नहीं बनते, निमित्त बनते हैं, तो रक्षा करने वाले को पति कहा गया है, कोई सच्चाई से रक्षा करते हैं, कोई के अंदर झूठ भरा हुआ है, पांडव नहीं है, कौरव पना करते हैं, यादव बन जाते हैं, वो बात अलग है, और बाबा चित्र अनुसार चरित्र बनती है ना बाबा। हाँ जी, अभी एक चित्र हमें देखा है, नारायण है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी के हाथ में, लक्ष्मी के हाथ में बाल शंकर है, शंकर की बाल्यावस्था कैसे होती है, चित्र बनाने वाले हैं वो मनुष्य हैं या भगवान ने बनवाए है, तो हम मनुष्य मत पर क्यों जाए, रहते या शुभ निभाते, सुंदे सुंदे मतर बिन्ना, कोई किस धर्म की आत्मा, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा, जो राम के भक्त हैं वो कृष्ण को नीचा दिखाना चाहते, जो कृष्ण के भक्त हैं वो राम को नीचा दिखाना चाहते, जो जगदम्बा के भक्त हैं वो राम कृष्ण को नीचा दिखाना चाहते, तो ये तो अपनी अपनी डपली है, अपना अपना राग है, अपने तरीके से चित्र बना देते हैं, और जब क्लास में ही बैठे बाबा सामने बैठे होते हैं दृष्टि देने के लिए, नाजल सामने आती है और तभी नींद आ जाती है, तो ये क्या करना, अच्छे कर्म करना, अच्छी बातें करनी है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, ज्ञान देंगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञान देंगे तो अज्ञान मिलेगा, कोई को बुद्धू बना देंगे, अंधा बना देंगे तो अंधे बनेंगे, सोजरा बना देंगे तो सोजरे बनेंगे, अब अगला कोई जन्म तो आने वाला है नहीं, आएगा
नहीं आएगा। हिसाब किताब पूरा कहाँ होना है, यहाँ का यही हिसाब किताब पूरा होना। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी उसका फल हाजिर हो जाएगा। हमको नींद क्यों आती है? मेरा ऐसे भी तो है जिनको नींद नहीं आती है, उनको नींद क्यों नहीं आती है? अमृत वेले भी उन्हें नींद नहीं आती है और बाबा के सामने बैठ करके भी नींद नहीं आती है, कोई तो कारण होगा। अपना किया हुआ कर्म अपने को फल देता है। और